मेरे लिए तो बड़ा भावुक सा लम्हा है ओ, वो देश में आग लगा लेते हैं हमें में आग हम नहीं लकड़ी लगा में आग नहीं लगा पा रहे ये देखिए आज़रा जो है केक लेके आ रही है और तुम्हारा जन्मदिन है नहीं तो क्यों हो केक याद है मुझे क्यों लेकर आई हाँ। असल में लक्ष्मण जी का जो है उनका यूट्यूब चैनल जो है वो, वो जो चलाते हैं सामाजिक पाठ सारा उसके पचास हजार पूरे सब्सक्राइबर हो गए हैं तो उस खुशी में हमने केक लेकर आया देखिए ये देखिए फिफ्टी के लिखा है ना yes. पाँच उल्टा बना दिया फिफ्टी के ये पाँच सच में उसने उल्टा ही बनाया है उल्टा ही बनाया है उसने पहले, 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 पहले। तो ये हम लोग जो है किसी का जन्मदिन नहीं मना रहे हमें से किसी का जन्मदिन नहीं है ना ही ना ही हम न्यू ईयर तो मना रहे हैं ये दरअसल डॉक्टर लक्ष्मण यादव के यूट्यूब पर पचास हजार सब्सक्राइबर हो गए हैं आपको बहुत शुक्रिया और कामना है की पचास लाख थैंक यू सो मच तो ये हम केक लाए हैं मैंने दिन में ट्वीट किया था जब ये इन्होंने ट्वीट किया था कि कुछ साथी जुड़ जाएं तो पचास हज़ार हो जाएंगे फिर मैंने केक के लिए बोल दिया था तो ये केक है फिफ्टी के इस पर लिखा है आ, हम लोग उत्तराखंड में तो यहाँ पे ये ऐसा ही केक मिला बस और इसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और जब तक ये लोग इस केक की के फ़ोटो ले रहे हैं मेरे लिए तो बड़ा भावुक सा लम्हा है और बहुत नहीं हो ना नहीं। और ये लाख तक पहुंचना हाँ नहीं।, नहीं वो आपके बहुत यार इसको ना आप ऐसे लो जैसे वो दुल्हन टाइप में ऑटो <laughs> ऑटो में इनकी फोटो लेता हूँ दुल्हन स्टाइल में मैं वही कह रहा हूँ मैं जलाता हूँ मोमबत्तियों आपकी उधर से आप मोमबत्ती ना बुझ जाए हम ये आग जलाएंगे हाँ नहीं अभी जल जाएगी कुछ लोग जो हैं मैं सोच रहा हूँ अर्नब गोस्वामी दीपक चौरसिया कश्यप सुधीर चौधरी सुधीर चौधरी मेरे ये बॉस है ना पुराने लोग रूबिका लियाकत रजत शर्मा दिल्गी, इन दिल्गी, लोगों दिल्गी, को बुलाए वो आग लगा आग में घी डालने का काम करते हैं जलाते हैं आग लगा देते आग लगा देते हैं वो देश में आग लगा लेते हैं हमें लकड़ी में हम लकड़ी में आग नहीं लगा पा रहे नहीं, हम आग हम, हम तो आग बुझाने, आग भारे बुझाने भारे। का काम करते हैं तो अजरा अब कैमरा करेंगी तो वो हाँ, गायब अभी ले हम काटेंगे केक भाई साहब आग तो जलती रहेगी ये अखबार से जला देता हूँ ये वैसे लेगे भी लेगे। मनु लेगे। मीडिया को जलाने का काम हम कर ही रहे हैं है ना तो ये मनु मीडिया को जला देंगे हम

हर एक व्यक्ति को मेरी ओर से ये बधाई पहुंचे ये आपकी खुशी है जो हमसे और केक काटने के बाद हम जो हैं ये भी जानेंगे कि इन्होंने यूट्यूब अपना क्यों शुरू किया हम कर रहे थे कमा रहे थे खा रहे थे इन्होंने क्यों यूट्यूब <laughs> शुरू किया और क्या इनका फ्यूचर प्लान है यूट्यूब को लेके उस पर भी बात करेंगे तो पहले क्योंकि मोमबत्ती पिकल जाएंगे थैंक यू फूक हैप्पी 50k हैप्पी 50k हैप्पी 50k, subscriber to you. Happy सब्सक्राइबर, 50K के सब्सक्राइबर टू यू सारे सब्सक्राइबर को बधाई सब्सक्राइबर टू यू तो सभी 50k सब्सक्राइबर को बधाई शुभकामनाएं और डॉक्टर लक्ष्मण यादव का जो कारवां है वो बढ़ता रहे लोग उसमें जुड़ते रहे लोग उसमें जुड़ते रहे सामाजिक न्याय की लड़ाई चलती रहे यहाँ पर तो मैं ही हूँ हाँ। तो हाँ। आपको आपको ये ये। हमारी ओर से आपको बधाई और हम, हम आपको खिला देते हैं हाँ। ये आपके पचास हजार सब्सक्राइबर की तरफ से आपको बधाई और हुँ। हुँ। केक भी अच्छा है बहुत शुक्रिया आप सभी का ये मोहब्बत बनाए हैं और देखिए मैं अपने चैनल पे भी मैं ये बात बोलता हूँ कि आप हमारी ताकत हैं और हमें और ताकतवर बनना है ना बाहुबली बनना है तो और ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए और लोग चाहिए और ऐसे ऐसे और भी लोग चाहिए जो जो अलग अलग किस्म से आ, समझने समझाने बोलने और आ, आ, जो भी जरूरी चीजें उसको लोगों तक पहुंचाने की भूमिका अदा कर सकते हैं ऐसे हजारों लोग हमें चाहिए तो आपको कितना वक्त हो गया लक्ष्मण जी इसको आ, रखते हैं हाँ इसे रखते हैं तो ये केक हम खाएंगे इसको अच्छे से खाएंगे आग <laughs> जलती रहे बुझे <laughs> मीडिया को जलाना पड़ेगा <laughs> 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 तो कितने साल हो गए आपको लक्ष्मण जी ये यूट्यूब चलाए हुए कितना वक्त हो गया मतलब पचास होने में कितना टाइम लगा आपके? ऐसे तो ये 2014-15 के आसपास जो मेल से जुड़ा हुआ एक YouTube का लिंक आ जाता है ना तो जिस मेल से मेरा ये YouTube चैनल है उसका आप उस पर देखेंगे डेट तो वो आ, काफी पहले की है अच्छा मुझे वो माचिस पकड़ा दीजिए मैं भी मीडिया का हूँ ना थोड़ी आग लगा दू तो वो डेट तो काफी पहले की है लेकिन पिछली बार लॉकडाउन के दरमियान ये कोशिश मैंने की कि सब कुछ जब बंद था पहले लॉकडाउन में तो फेसबुक के जरिए मैंने कोशिश की कि मैं क्या भूमिका अदा कर सकता हूँ एक पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए शख्स की समाज में भूमिका क्या हो सकती है हुँ। हमारी एक भूमिका तो बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर हमारी कक्षाओं में है जी हमारी किताबों से जुड़ी हुई है कलम से जुड़ी हुई है। उस भूमिका के निभाने के साथ मैं जब सोच रहा था कि हमारी और कौन सी भूमिकाएं हैं है? तो प्रोफेसर की भूमिका एक नागरिक के तौर पर भी काफी बढ़ जाती, बड़ काफी जाती, जाती है अहम हो है सही बात तो जो चीजें या जैसा जैसा क्लासरूम हम चाहते हैं ना दरअसल हमारे जहन में वैसा एक मुल्क भी होता है मुल्क भी होता है वो उतना ही खूबसूरत हो उतना ही इंक्लूसिव हो असल में हमारी क्लासरूम भारत के संविधान और मंडल कमीशन लागू होने के बाद से थोड़ी बहुत होना शुरू तो उसके बीच में हम आ, कविताएं पढ़ना आ, हम अपने साहित्य का इतिहास जानना इन सब के जरिए जो काम कर रहे थे उसके साथ साथ हमें लगा कि हमें विचारों को भी आ, लोगों के बीच में ले जाना चाहिए विचारों पर भी बात करनी चाहिए तो मैंने यूं ही एक रैंडम सा नाम आया सामाजिक न्याय की पाठशाला तो उसके नाम से चैनल नहीं बनाया वो चैनल मेरे ही नाम से रहा डॉक्टर लक्ष्मण यादव के नाम से ही और जो मैं पढ़ता था उसे उस पे बोलने लगा कि भाई ये पाठशाला है तो हमें अपना इतिहास जानना चाहिए संघर्षों का इतिहास विरासत का इतिहास तो ये सफर लगभग डेढ़ साल का है जो व्यवस्थित तौर पर शुरू हुआ है तो आपको 50 जो कई सब्सक्राइबर हैं उसके होने में आपको डेढ़ साल लग गया तकरीबन डेढ़ साल लग गया नहीं, नहीं। तो ये यूट्यूब पे जैसे आ, मतलब ऐसा क्यों लगा कि भाई मुझे आ, अपने खुद के वीडियो बनाने चाहिए क्योंकि हम बहुत सारे बहुजन मीडिया की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग चैनल चला रहे हैं मीडिया के तौर पे खासकर आपका मीडिया से अलग कुछ काम करने का और उन चैनल के मुकाबले में फिर अपना भी काम करने का इसके पीछे भी कुछ रहा होगा कि भाई शायद ये वो काम नहीं कर रही है जो बाकी बहुजन मीडिया शायद वो भी ये काम नहीं कर पा रही है निश्चित रूप से एक तो जैसे मीडिया आ, की जो भूमिका है वो खबरों से जुड़ी हुई ज्यादा है मतलब एक खबर है उसे एक व्यक्ति जो मीडिया का है जैसे आप हैं तो हुँ. आप आप अपने नजरिए से किसी खबर का विश्लेषण करते हैं और जो भी कंटेंपरेरी चीजें चल रही होती हैं उसको अपने ढंग से नैरेट करते हैं जी मेरे को वो वो पकड़ा दीजिए तो मोमबत्ती हाँ। मतलब हम हमारा एक्सपर्टी भी एक्चुअली मीडिया का ही है खबरों को कैसे रिसर्च करें ढूंढें फैक्ट जुटाएं नहीं दरअसल आप आपने उसको बाकायदा कोर्स के जरिए भी सीखा है और उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस से आप कहने को सैद्धांतिक तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ इसीलिए हैं क्योंकि वे खबरें जो जनता को जानना जरूरी हैं जिन्हें सही में जानना जरूरी है जिन्हें जानना ही चाहिए उनके लिए आप काम करते हैं और हम लोगों की कोशिश उससे थोड़ी ही मुक्त थोड़ी अलग है ये तो बिल्कुल ही बंद हो गया तो मतलब ये कि भाई मीडिया वाले तो खबरें दिखाते रहते हैं मैं अपना काम मतलब सैद्धांतिक आइडियोलॉजिकल काम काम होगा वैचारिक जैसे हमारा काम या जो तो अभी भी मैं काम कर रहा हूँ वो मीडिया का काम नहीं है म, मतलब आपको youtube के रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है नहीं <laughs> <laughs> रेवेन्यू पैसे कमाए रेवेन्यू तो बिल्कुल अलग चीज है और सच कहें तो आ, अब, अभी फिलहाल हम भले ही एक टेंपरेरी प्रोफेसर हैं आ, लेकिन सरकार हमें पढ़ाने का हमारे लिखने पढ़ने का एक मेहनताना दे रही है दे रही है लेकिन उसी पढ़ाई लिखाई से जोड़ करके मैंने ये सोचा कि कुछ किताबें कुछ ऐसे लोग जिन पर या तो बातें कम हुई हैं आ, और यह बातें जो हुई हैं वो बहुत सीमित दायरे तक हैं और टेक्नोलॉजी जब बदली नहीं। नहीं। सूचनाओं के पहुंचने का जरिया जब बदला तो हमें ये लगा कि अगर उस रास्ते भी हम अपने लोगों को समझा पाए कोई चीज कोई बुनियादी किताब है कोई बुनियादी शख्सियत है इसलिए मैंने उसका नाम दिया सामाजिक न्याय की पाठशाला पाट सामाजिक न्याय मेरे लिए एक विचार का नाम है एक एक ऐसा विचार जो संघर्षों का विचार है जिसमें लैंगिक न्याय सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय सब शामिल है।, है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना का एक मूल जो खाब है उस उस विचार का नाम है सामाजिक सामाजिक न्याय तो मैंने इसी कोशिश में ये शुरुआत की उसमें जैसे कुछ ऐसी शख्सते जिनका आइडिया ऑफ इंडिया में एक अहम रोल है जो एक नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसमें जिन लोगों की अहमियत है और जिन पर बात जरूर होनी चाहिए जरूर होनी चाहिए जिन पर बातें या तो कम हुई है या नहीं हुई है। नहीं हुई है। तो कोशिश है ये और इसलिए मैंने वो चैनल इस तरह से शुरू किया ये चैनल पे जैसे मैं भी आपके लगातार चैनल देखता रहता हूँ आपके साथ इतने वीडियो भी हमने किए हैं तो बहुत सारी जानकारी ना नई भी मिली जैसे शिवदयाल चौरसिया हैं त्रिवेणी संगपुरा वो ऐसे ऐसे लोग थे जिनके बारे में हम लोग भी नहीं जान रहे थे और डिजिटल माध्यम मतलब एक तरीके का जैसे भाई किताब पढ़ने में तो वक्त लगेगा दिमाग लगाना पड़ेगा ना लोगों को तो वीडियो देख के कोई समझा देते हैं तो जल्दी असर होता है दिमाग पे तो इस और और भी ध्यान दिया जाना चाहिए इवन हम लोग जब ना देखिए हम लोग पढ़ने पढ़ाने के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ अक्सर और वो दूसरे मेरा विषय भी साहित्य का है तो हम जब साहित्य पढ़ाते हैं हम कोई कविता पढ़ा रहे हैं हैं हम कोई कहानी पढ़ा रहे या उस साहित्य को जिंदगी से जोड़कर पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे है, तो हमारी कोशिश होती है कि जैसे कविता प्रतीकों बिंबों के जरिए आपके जहन में एक एक, -एक बिंब पैदा करती है एक एक ख्याल पैदा करती है जी। हम ये कहते हैं कि कोई अच्छी कविता वो है जो आपके जहन में एक गूंज उठाए अगर आपके जहन में उसकी कोई इमेज नहीं बन रही है अगर आपके मन में कोई खाका नहीं बन रहा है तो वो साहित्य बहुत हमारे यहाँ एक शब्द है साधारणीकरण तादात्म स्थापित करना हाँ। तो ये जो हमारे यहाँ नाटक आया और बाकी चीजें आई तो उसके जरिए ये हुआ कि हम केवल शब्द शब, शब। सुन करके कोई चीज उतने असरकार ढंग से नहीं देख पाते जिसको देखना और सुनना दोनों साथ हो तो तो एक तो ये बात दूसरी कि जिंदगी बदल गई तकनीक घर घर पहुंचना पहुंचने लगी अब देखते हैं लोग यूट्यूब मोबाइल की और... पहुंच है और ये दोनों वजह जब जुड़ जाती है तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये बहुत अहमियत भरा हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल और, बिल्कुल और मेरे पास तो लोगों के फोन आते रहे इवन अब मैं एक और इसमें किस्सा साझा करूं कि जब मैंने शुरुआत की तो मैंने बहुत तो पॉपुलर ढंग से जो लोग जिन पर बातें हुई मसलन डॉक्टर अम्बेडकर ज्योतिबा फूले या बिरसा मुंडा या आप कह लें कि पेरियार इन लोगों पर अमूमन बातें हुई हैं डॉक्टर लोहिया लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि नए नए लोग नई किताबें और वो जानकारियां लोगों के जरिए भी मुझ तक मिली जी लोग भी बताते होंगे कि इस सब्जेक्ट इस पे पर भी करिए इस मेरे पास लोगों ने किताबें भेजी अच्छा। और तमाम मुझे अंदाजा है कि तकरीबन दो दर्जन किताबें मेरे पास ऐसी हैं जो लोगों ने भेजी हैं और इस 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 अपील के साथ कि आप इस पर भी वीडियो और वो सामाजिक न्याय के आइडिया के साथ हुई हुए हाँ। और मतलब एक इंटरेस्टिंग मतलब एक ही सब्जेक्ट पे जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे खूब पढ़ा लिखा गया है और उनके बारे में बहुत बात होती है लेकिन जैसे आपका एक वीडियो था मेरे को याद आ रहा है मैंने अपने चैनल पे भी लगाया था कि अब कोई भी ओबीसी जो है वो बाबा साहब को अगर कोसता है तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव का ये वीडियो भेज देना ये लिंक दिखा देना उसको तो एक नया नजरिया उसी उसी विषय पे लेकिन एक नए ढंग से एक फैक्ट के साथ में नई तरीके से पहुंचा देना तो उसका भी असर होता है लोगों पर मुझे लगता है ना कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन का ही तो सारा खेल हाँ, हाँ। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि उसी हिंदी साहित्य के इतिहास को तो कितना पढ़ा पढ़ाया जाता है मगर एक एक टीचर एक, एक प्रोफेसर जब अपनी क्लास में जाता है ना और असल में वो प्रोफेसर है वो दिखावे वाला नहीं है वो कागज वाला नहीं है नहीं। वो असल में प्रोफेसर है तो वो क्लास में जाने के पहले ये सोच कर जाता है कि आज मुझे अगर कबीर पढ़ाना है 2021-22 के नौजवानों को पढ़ाना है तो मैं क्या ऐसा करूं कि मैं कबीर को एक नए अर्थ में उनके सामने जी, आ, पेश कर सकूं? ऐसे ही हमारे सब, सब करते हैं तो और दूसरी बात ये भी होती है कि भाषा का बहुत बड़ा रोल है साहित्य का होने के नाते आ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ कि मैं एक बेहतर और आसान भाषा जो आम बोलचाल की भाषा है आ, उसका मुझे लाभ मिला, विषयों का लाभ मिला कि मैंने कौन से विषय चुने मैंने किताबों को चुना तो जो किताब मेरे पास रिप्लाई आते हैं लोग कमेंट करते हैं मैं सारे कमेंट तो नहीं पढ़ पाता उन सबको शुक्रिया कहता हूं उस कमेंट में वो कहते हैं कि मतलब एनिरेशन ऑफ कास्ट है या गुलामगिरी है या की किताबें हैं या इवन मैंने त्रिवेणी संघ के जो बिगुल है उस बिगुल पर जब वीडियो बनाए या अर्जक संघ पर वीडियो बनाए, पर तो बनाए तो उस संगठन के लोगों के फोन मेरे पास आए और तमाम लोग तो ये कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप आइए हमारे संगठन के अध्यक्ष बन जाइए तो मैंने कहा नहीं भाई मेरी एक छोटी सी भूमिका है हाँ। मुझे भी वो करना है और बहुत कुछ करना है और बहुत छोटी सी भूमिका हमारी है और अभी हम बहुत थोड़ा सा काम कर पा रहे हैं ये काम बहुत बड़ा है तो इसमें जैसे मैं मैंने तो वीडियो एडिटिंग सीखी मैं जैसे स्क्रिप्टिंग का काम करता था अपना चैनल में। आ, लेकिन मेरा काम एडिटिंग का नहीं था मैंने सीखी एडिटिंग तो आ, आपने कोई एडिटिंग सीखी मतलब आ, तो वीडियो <laughs> निश्चित रूप से और उसमें आप जैसे <laughs> लोगों की बहुत बड़ी भूमिका और मैं तो कह रहा हूँ कि आ, 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 हमारी आ, जो जो भी भूमिका है इवन जैसे मैं कहता ना एक बात कि मैं जहां जिस जिस टाइम प्लेस एंड स्पेस में मैं हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे होने में मेरे पीछे का कोई रोल नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। असल में हम एक कंटिन्यूएशन में एक पार्ट मात्र हैं। ना हम हम बहुत नोप लोग नहीं है सही बात हमारे है। पीछे बहुत तोप लोग हुए हुए हैं उनके संघर्षों की वजह तो से आज हम बात कर रहे हैं नहीं उनकी वजह से हम यहाँ उनकी वजह से और उनके बारे में ही बात कर रहे हैं और एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं हम अपने कम से कम लोगों को ये समझा पाए की उन्होंने क्या किया तो देखिए तो उन्होंने हाँ। क्या किया कम से कम आप उसी को जान लीजिए तो जैसे उस कंटिन्यूएशन में इसका पार्ट होता है हमारे होने में वैसे ही मेरे इस इस youtube चैनल पर मेरी भूमिका है आ, आ, चाहे मैंने एडिटिंग की बात हो या कैमरा फेस करना या आ, आ, लिखी हुई बात को कैसे लोगों के सामने पेश किया जाए पॉइंट्स बना बना के <laughs> चुनौती पूर्ण ये भी है सुमित जी कि एडिटिंग तो फिर भी सीखी जा सकती है अमूमन इस देश में भाषा के साथ अन्याय हो रहा है ना लोगों को भाषा नहीं आती तो लोग कहते हैं आपको कुछ नहीं आता भाषा तो जरिया है एक तरह से उस तरह, तरह का तो एडिटिंग या कैमरा फेस करना या उसकी बुनियादी सुविधाएं जिसमें आपकी भूमिका या और तमाम लोगों की भूमिका बहुत रही है उन सबने सीखा है हम हर बार कुछ ना कुछ सीखते हैं उससे ज्यादा बड़ी चुनौती मेरे साथ ये है कि मैं मान लीजिए एक सौ पन्ने की किताब है हुँ. एक एनिलेशन ऑफ कास्ट है या गुलामगिरी है गुलाम या द साइलेंट इंडिया साइलेंट रिवोल्यूशन है हुँ. वो सालों का शोध है हुँ. उसमें उसमें बहुत कुछ लिखा गया है उसके एक पन्ने पर एक घंटे की वीडियो भी बनाएंगे ना हाँ। तो वो कम होगा हो, कम हो मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण ये था कि मैं गुलामगिरी को पंद्रह मिनट बीस मिनट में कैसे कैसे, कैसे लोगों को लंबे वीडियो अक्सर लोग देखते और नहीं।, देखे नहीं।, देखे नहीं।, नहीं और ज्यादा देर तक कोई देखेगा नहीं और इसलिए मैं आज चुकी एक खुशी का पल है इसलिए एक खेद भी व्यक्त करता हूँ बार ऐसा होता है कि हो सकता है कुछ बहुत जरूरी बात मिस कर गए मिस कर गये हूं। उस किताब के साथ उतना न्याय नहीं कर पा रहे हूँ जितनी की न्याय होना चाहिए फिर भी मेरी कोशिश ये कहती है कि समथिंग इज बेटर और आप मेरे को याद है जब हमने बहुजन यूट्यूबर्स मीट किया था तो सौ यूट्यूबर हमारे यहाँ इस बार आए थे पिछली बार चालीस आए थे इस बार और तीसरी बार हो सकता है अगर सब हालात सही रहे तो हम रियल वर्ल्ड में एक जुटान करेंगे उस समय आप आए थे तो आपने एक बात बोली थी मुझे याद है कि हमारे जो पुरखे थे वो इस देश के असली कंटेंट राइटर थे <laughs> <laughs> बिल्कुल देखिए वो और इवन सही बात है कंटेंट उन्होंने इतना दिया है ना आ, उनकी एक-एक किताबें उनका एक-एक लेख या उनका एक काम मतलब मुझे याद है कि मैं जब रामस्वरूप वर्मा पर काम कर रहा था तो आ, मैंने ये देखा कि वो वित्त मंत्री रहते हुए कैसे उन्होंने फायदे का मुनाफे का बजट दिया आज आप उसे कैसे जोड़ सकते हैं ये मेरी भूमिका है अगर मैं उस एक फैक्ट को उस कंटेंट को जो मैं हमारे पुरखों ने दिया जयपाल सिंह मुंडा हैं या सिद्धू कानू हैं या तमाम लोग हैं तो उन सारे कंटेंट को हम इस्तेमाल कर पाए ये बड़ी कोशिश रहती है और इवन सबसे दिलचस्प बात ये है कि अभी बहुत छोटी भूमिका आप मेरे पूरे YouTube चैनल पर देखेंगे तो पंद्रह से बीस इंडिविजुअल्स हैं जिन पर मैंने वीडियो बनाई है आ, उनकी संख्या आ, सौ से डेढ़ सौ हो सकती है और होनी चाहिए आ, किताबों की बात करें तो आ, मैंने अब तक दस किताबों पर बात की होगी जी और उनकी संख्या दस हजार हो सकती है जो सामाजिक न्याय आप तो नौकरी भी करते हैं काम भी हमें क्लास लेनी है इसलिए शूद्रा चलाया था दो साल तो हमने जॉब करते हुए चलाया था तो रात भर बैठ के मैं एडिट करता था फिर सुबह जाके काम करता था तो वो एक चैलेंज होता है और मगर आज के दिन मैं मैं खुद से ये वादा करना चाहूंगा की मैं जितना ज्यादा से ज्यादा न्याय कर पाऊँ जितना ज्यादा इस पूरे विषय पर लिख पाऊ बोल पाऊ मेरा मन है कि मैं इन सारी चीजों पर किताबें भी ले आऊ अच्छा हाँ, हाँ केवल केवल YouTube की दुनिया कई बार अनगिनत वीडियोस में कोई वीडियो खो न जाए आ, लोग कोई एक भाषण देख करके कोई एक बात देख करके भूल ना जाए, किताबें दूर तो उसका डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन एक ख्याल ये ये भी है है तो ये तो बड़ी बात न पचास हजार लोगों को नई सूचना हाँ नई सूचना ये आपके तो लिए बिल्कुल हम जल्दी उस पर किताबें भी ले आएंगे और तमाम आईकॉन जैसे इवन मैंने अब्दुल कयूम अंसारी पर जब बात की पसमानदा आवाज पसमानदा आवाज को ले लि तो अब्दुल कयूम अंसारी पर बात करते हुए तमाम लोगों के फोन आए आये हाँ इस तरह से दरअसल ये YouTube चैनल केवल इसलिए नहीं है कि गए और हम, हम लोग नहीं है, बात है। हमारे थे। हमारे हैं। हम तो उन, उनको पढ़ रहे हैं उनसे सीख रहे हैं। सीख रहे हैं। असल में हम दरअसल बहुत कुछ सीखते हैं में ऐड होता है मेरी भाषा में बहुत कुछ जुड़ता है जब मैं किताब पढ़कर उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ मैं एक मैं मैं ज्योतिबा फूले पर जब वीडियो बनाते हुए उसे पढ़ता हूँ

मन से वीडियो बनाया है और हमारे लोगों ने उसको उतना प्यार नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए था तो वो डॉक्टर रतनलाल कहते हैं ना कि नागिन डांस ज्यादा देखते हैं <laughs> <laughs> तो कभी-कभी जब ऐसा होता है तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार देखना चाहिए लोगों को मतलब देखिए आप तो प्रोफेशनली आप उस काम में हैं और निश्चित रूप से आप जितनी मेहनत करके कंटेंट दे रहे हैं और उसका उसकी जो क्वालिटी है उसके बाद ये निराशा स्वाभाविक है कई बार होता है ना कि आप आप बतौर प्रोफेसर आपने बहुत मन से पढ़ाया और आपने पलट के चार क्वेश्चन पूछे हो और विद्यार्थी उसका जवाब दे पाए तो अफसोस होता है कि यार इतनी मेहनत की थी मैं, मैं पढ़ा लेकिन लेकिन मैं मैं सुमित भाई एक बात कहूँ कि वो जैसे एक प्रोफेसर का मेहनत से पढ़ाया हुआ एक लेक्चर वो हो सकता है तुरंत आपको ये ना लगे कि वो आउटपुट दे रहा है या नहीं लेकिन उसका असर तो होता असर है। तो होता है तो आपके आपके वीडियोस आपका कंटेंट नहीं। आज नहीं कल लोग देखेंगे आ, वो एक, एक लंबी कोशिश है आ... आ, लेकिन हाँ मैं तो हम कहते हैं तो, हम, हम, तो एक ही भाई नेकी कर में डाल हाँ, कावत है नहीं हमने अपनी भूमिका निभाई अपना काम कर दिया हमने हाँ। अब आप पचासी परसेंट नब्बे परसेंट कमेरा जाति के लोग तो हैं श्रमजीवी लोग है, श्रम लोग है। <laughs> हम बात नब्बे परसेंट की कर रहे हैं हाँ। तो होना तो ये चाहिए की बहुजनों के नब्बे परसेंट मीडिया हाउसेज हो मीडिया हाउसेज और वो क्वालिटी कंटेंट दें और उसमें बहुजनों की जिम्मेदारी है की देखिये मतलब आज बहुत आसान है YouTube चलाना आपके पास एक मोबाइल है आप शुरू कर दीजिए और आपका चैनल चल जाएगा और गाली दे के बकवास करके आ, रोस्ट वीडियो बनाइए बना के बना क्या आप क्या डांस करिए कर कुछ भी है वो कर रहे हैं हा? और लोग कमा रहे हैं सब काम चल रहा है लेकिन अच्छे जो चैनल हैं जो जो बौद्धिक वर्ग को जागरूक उनकी उनकी जो पूरी अध्ययन है जो उनका रिसर्च है वो सामने आता है और लोगों को समझाते हैं मुझे तो बहुत सीखने को मिलता है चाहे अम्बेडकर नामा हो या आपका चैनल हो मैं तो खूब देखता हूँ और खूब उससे सीखता भी हूँ तो ये उन भोजनों की भी जिम्मेदारी है कि भाई अपने लोगों के लिए फ्री में आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है कुछ आपको उस तरह से पेमेंट भी नहीं करनी है कि उसका कुछ सब्सक्रिप्शन के लिए पे करना हो तो यार फ्री में तो कम से कम कर दो और मतलब सब लोग मेहनत कर रहे हैं तो उनको वो कम से कम प्रेरणा मिलती है कि हमारे ने? लोग और ज्यादा प्यार हाँ। चाहते हैं हैं या दिखा रहे हैं, तो भाई असली और असली बात ये है ना कि आप आप जो काम करते हैं मतलब वही जो कहा न कि नॉन सीरियस कंटेंट जिसे कह रहे हैं या हल्के फुल्के कंटेंट वो एक नेचुरल है ने? मतलब आप आप गालियां बहुत जल्दी सीख लेते हैं आप एक अच्छी भाषा में कैसे लोगों के सामने बोलना है वो नहीं सीख पाते लेकिन एक बात है कि वो वो असर तो करता है असर तो करता है इसलिए एक हो सकता है कि अभी वो समय ऐसा है कि लोग वहां तक नहीं जा रहे लेकिन हाँ अगर आप आप सीख रहे हैं ना तो आप इसे लोगों तक ले जाइए इससे हमें कम से कम ये ताकत मिलती है कि हम सही रास्ते पर हैं सही रास्ते पे और इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया ये आप लोगों का मोहब्बत है <laughs> और मैं तो कहूंगा कि जो लोग भी अच्छा बोल सकते हैं सुमित जी हैं जिस तरह से ये काम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर रतन लाल जी हैं तमाम चैनल हैं मैं चैनलों का नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन आप आप खुद पहचानिए कि कहाँ आपकी बातें हैं उनसे जुड़िए और अपनी मोहब्बत बनाए रखिए और मैं तो इस एक आखिरी कस्सा बस कह दूं कि दरअसल इस YouTube चैनल से एक काम ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ और देश भर के लोग जानते हैं देश भर से लोग फोन करते हैं बधाई देते हैं कि मैं जिनको बिल्कुल नहीं जानता वो नहीं। वो मेरा नंबर लेकर के कमेंट करके कहते हैं कि हम राजस्थान से बोल रहे हैं हम हैदराबाद से बोल रहे हैं हमें हमें कलकत्ता में रहने वाले वो लोग जो यूपी बिहार के उनके फ़ोन आते हैं ये ये हमारी ताकत है इससे बड़ी पूंजी हमारे पास कुछ नहीं है नहीं। और उससे भी बड़ी बात कि मेरे अपने घर के लोग मेरे रिश्तेदार जब मेरी वीडियो देख करके एक किस्सा आखिरी में सुनाता हूँ कि मेरी माँ ननिहाल में हमारे गई थी तो माँ ने कहा फ़ोन करके कि सबसे छोटे वाले नाना जी उन लोगों के घर पे कुछ हो रहा था कुछ रिचुअल्स कुछ कर्मकांड टाइप का तो मेरे सबसे छोटे वाले नाना जी जो बचपन में कहते थे बड़ा शरारती लड़का है वो आगे सबके सामने कह रहे हैं कि वो देखो अपनी में कैसे कहते हैं वैज्ञानिक तो। <laughs> पूजी यही है कि ये हमारी बात लोगों तक पहुँच रही है और बस ये मोहब्बत बनी रहे आपकी मोहब्बत हमारे लिए जिम्मेदारी है आपके हिस्से का केक में काफी अच्छा लगता है और ये केक टेस्टी है आ, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों डॉक्टर लक्ष्मण यादव का चैनल भी सब्सक्राइब करें हजर एंड व्लॉग्स और द न्यूज़ भी उनको भी आप सब्सक्राइब करें आगे बढ़ाएं और प्यार बनाए रखें बाय बाय बिल्कुल बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच